बताने जा रही हूँ आज आपको एक्सरसाइज क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 3.5 में ब्रज गुणन विधि दी है तुम्हारी सवाल करने के लिए, उसके बारे में बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है 3.5 एक्सरसाइज का, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक हल है जिसका कोई हल नहीं है या जिसके अपरिमित रूप से अनेक अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री बराबर जीरो, दूसरी है 3x माइनस नो बाई माइनस दो बराबर ज़ीरो। तो हम समीकरण बना लेंगे, समीकरण वन हो गई और टू हो गई। इसके हल निकालने के लिए कि जिसका कोई हल नहीं है, ये कंडीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। तो पहले समीकरण एक की तुलना किससे कर देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर ज़ीरो से करने पर। अब देखो तुलना करना आना चाहिए, जब हमें a1 का मान निकालना है तो x की गुणा में क्या है, इधर क्या है, एक्स की गुणा में कुछ नहीं दिया, मतलब है इसका एक होगा। तो ए वन का मान क्या हो गया, वन हो गया। बी वन का मान हो गया माइनस का थ्री और सी वन का मान हो गया माइनस का तीन। ऐसे ही सेकंड में हो जाएगा, इसकी तुलना करेंगे। समीकरण दो की तुलना किससे कर देंगे, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो से करने पर। तो ए टू का मान आ गया तीन, बी टू का मान आ गया बराबर माइनस नो और सी टू का मान आ गया माइनस के दो, जैसे इसमें दिया है तुम्हें। ठीक है, आप कंडीशन निकालेंगे, कंडीशन निकालेंगे ऐसे a1 अपॉन a2 बराबर 1/3, क्योंकि a1 का मान एक है और a2 का तीन है। b का निकालो b1 अपॉन b2 माइनस का 3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, तीन ही करना तीन, तीन दूनी तीन त्या 9, 1/3। c1 का मान निकालो 3/2। तो क्या आ गया, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, लेकिन नोट इक्वल आ गया c1 अपॉन c2।